प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड का एक नया वीडियो इस पूरे मामले में सामने आया है। अतीक अहमद का बेटा असद फायरिंग करता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। वीडियो में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। ये एक नया वीडियो इस घटना से जुड़ा हुआ एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में भी अतीक अहमद का बेटा असद फायरिंग करता हुआ और गुड्डू मुस्लिम नाम का माफिया बदमाश इसमें बम फेंकता हुआ नजर आया और इसकी तस्वीरें हम आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जो ये तस्वीरें आई हैं, इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी और ये तस्वीरें भी हैरान करती हैं कि कितने बेखौफ थे माफिया बदमाश, और लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या कुछ अपडेट आ रही है इस फुटेज के मिलने के बाद और कब तक गिरफ्तारी संभव है? देखिए विपिन, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, 24 तारीख की आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये उस गली का वीडियो है जिस गली में आगे जाकर के उमेश पाल का घर दिख रहा है। जो शुरुआत में इस तरह की बात आ रही थी ना कि अतीक अहमद का जो तीसरे नंबर का बेटा है असद, जिसको आपने सड़क पे देखा था फायरिंग करते, वो इस वीडियो को आप देखिए करीब से, ये जो गली दिख रही है इसमें आगे जाकर के फिर उमेश पाल का घर आता है। उमेश पाल गाड़ी से उतरा, उसको गोली लगी, उसके बाद भी वो आगे बढ़ा भागने के लिए, तो असद जो है वो पीछे बैग लटका हुआ दिख रहा है। वो बिल्कुल उमेश पाल को उसने पहले गिराया, फिर उसने उस पर फायर झोंका। इसमें आपको दिख रहा होगा एक पुलिसकर्मी जो है राघवेंद्र, वो आगे भागता हुआ नजर आ रहा है, जो उसका गनर था वहां पर। फिर उस पर गुड्डू मुस्लिम ने पीछे से बम से मार किया। इस वीडियो से कोई नई जानकारी सामने नहीं आई, क्योंकि जिन हत्यारों की पहचान की गई है वही हत्यारे, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या असद हो, वो दिख रहा है। एक बच्ची भागती भी दिख रही है, वो इस मौके पर कैसे वो जा रही है उससे क्या जानकारी मिलेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये उस गली का वीडियो है और ये बात सच है कि घटना के 20 दिन हो गए। जी बताइए। बिल्कुल, मैं यही सवाल करने वाली थी कि घटना के 20 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक शूटर्स की गिरफ्तारी ना होना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है यूपी पुलिस के लिए। एसटीएफ बनी हुई है, कई जगह टीमें लगी हुई, लेकिन उसके बाद भी नाकामयाबी ही हाथ लगी है। जी हाँ बिल्कुल, और ये सवाल हैरान करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जितनी मेटिकुलसली इन लोगों ने प्लानिंग की है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही है एसटीएफ या प्रयागराज पुलिस के हवाले से कि कैसे इन लोगों ने मोबाइल फोन पहले ही अलग अलग जगहों पे गुमराह करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि उनको पता था मोबाइल से ट्रैक हो जाता है, तो प्लानिंग की पहले रेकी की थी कि कैसे हत्या करनी है और हत्या करने के बाद कैसे कहाँ भागना है। और सबसे बड़ी और जो जिसको लोग कमजोर कड़ी समझ रहे थे, साहिस्ता परवीन अतीक की पत्नी, जो घटना के बाद भी वहां पर देखी गई, पुलिस ने उस पर काम नहीं किया और आज की तारीख में एक भी आरोपी जो 5 लाख के इनामी रखे गए किसी को भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। और इस सीसीटीवी फुटेज में हम ये भी देख रहे हैं पंकज की एक पुलिसकर्मी भी भागता हुआ दिख रहा है और फिर अचानक से वहां पर आग का गोला उठता है। ये शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर बम फूटा है और उसके बाद आग का गोला दिखता है और उसके बाद कुछ नहीं दिखता इस फुटेज में। जी हाँ बिल्कुल, जैसा मैं कह रहा था ना आपसे कि भागता हुआ असद आपको दिख रहा होगा बिल्कुल दूर से गली के बिल्कुल मुहाने पर, गेट पर, कि बैग कंधे पे लटकाया हुआ उमेश पाल, जो काले कोट में वकील भी थे उमेश पाल, उनको वो गिराया, उस पर फायर झोंका। बीच में जो सुरक्षाकर्मी भागने लगा राघवेंद्र, उसके बाद गुड्डू मुस्लिम असद के बिल्कुल पीछे था, जिसके हाथ में आपने बम के पैकेट देखे थे कैसे वो बम फेंक रहा था, उसने बम मारा और फिर उसकी जान चली गई है। तो इस वीडियो उस गली के दूसरे छोर का है, अभी तक आपने सड़क पर देखा था कैसे हत्या की गई, शूट आउट हुआ, ये वीडियो गली के अंदर का है। जी तो पंकज बता रहे हैं कि ये जो एक नया सीसीटीवी आया है और जो दूसरी जगह से, जब ये लोग, ये शूटर्स जो है असद समेत, अतीक अहमद के बेटे माफिया असद समेत, जब ये लोग भागने शुरू करते हैं और उमेश पाल का घर नज़दीक आ जाता है, उसमें ये नया सीसीटीवी फुटेज आया है जो कि गोली चलाता हुआ दिख रहा है असद, अतीक अहमद का बेटा। सबसे ज्यादा हैरान यह करता है कि घटना के 20 दिन बाद भी जो मुख्य आरोपी असद है, गुड्डू मुस्लिम है, यह अभी भी फरार है। पुलिस क्या कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही है? इनाम पर इनाम तो घोषित किया जा रहा है लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जो सबसे ज्यादा चौंकाती है। जी हाँ विपिन, आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से आप अंदाजा लगाइए, और ये बात पक्के तौर पर कहा जा रहा है, अब तो
जांच एजेंसियां भी कह रही हैं। देखिए, अगर उमेश पाल की हत्या करनी होती तो रात के अंधेरे में भी की जा सकती थी। Exactly. लेकिन ये जानबूझकर हत्या इस तरीके से की गई दिन दहाड़े, और जो रिसर्च और रेकी किया था इन लोगों ने, उनको पता था कि यहाँ पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उमेश पाल गाड़ी में आया है, किस साइड से उतरेगा, उसके पास दो गन है, सारी चीजें पता थी। किसी ने मास्क नहीं पहना था, बिल्कुल एक उनको एक मैसेज देना था पुलिस मशीनरी को, सिस्टम को, सिस्टम के इकबाल को कि देखो अतीक अहमद का इकबाल जरायम की दुनिया में आज भी कायम है। तो ये वीडियो वही बता रहा किस तरीके से गए थे कि अगर गोली से बच जाएगा तो बम से उड़ा देंगे। ये गली का पहला वीडियो आया है, अब तक सड़क पे जिस तरीके से शूट आउट हुआ था उसको हमने देखा, इसमें कोई नई जानकारी नहीं आ रही। वही गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है, वही असद दिख रहा है, बैग कंधे पे लटकाए हुए, किस तरीके से उमेश पाल को गिरा कर वो मारने की कोशिश कर रहा है, फिर उसने मार भी डाला है वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जो भी यहाँ पे जांच एजेंसियां लगी हुई हैं उनके हाथ में कुछ नहीं आया। आमतौर पर होता है कि आप सर्विलांस से पकड़ लेते हैं, मोबाइल ट्रैकिंग से पकड़ लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसमें पुलिस को चकमा दे दिया और घटना करने के बाद भाग गए। आज घटना के 20वां दिन हो रहा है लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी बड़ा आरोपी सामने नहीं आया, उसको पकड़ने से अभी तक एसटीएफ को कोई कामयाबी नहीं मिली है ना यूपी पुलिस। बिल्कुल पंकज, यही बात हैरान करती है, इतना वेल प्लान मर्डर जो अब तक उत्तर प्रदेश में शायद नहीं देखने को मिला था।